हम आए हैं अभी हाथी गांव एलिफेंट विलेज। यहां पर जाने की टिकट है, कितना टिकट है? एक दिन का 55 रुपये है। अगर आप फॉरनर है, इफ यू आर फॉरनर, तो आपकी टिकट होगी 320 रुपये की, 320 फॉर फॉरनर्स। ये हाथी गांव थोड़ा सा रिमोट में पड़ता है। ये ऐसी आप दिल्ली से और जयपुर साइड जाते हैं, तो जयपुर से आप जो है आपको लेफ्ट हैंड साइड में पड़ेगा। ये है वो टिकट एलिफेंट विलेज की। यहाँ है पार्किंग, यहाँ से जाना पड़ेगा हमें पैदल। ग्रेशु देखेगी एलिफेंट। ये देखिए, ये पड़ा हाथी का गोबर, इसका मतलब हाथी आसपास ही होगा। चलिए हाथी को देखते हैं अभी। और ये हमें हाथी मिल गया, देखिए। कितने का है? 800 रुपए। 800 रुपए कितने किसका? दो बैठे। वाह, चारों का? नहीं नहीं, दो बैठे। अरे हाथी के ऊपर बैठने के लिए अलग से बनाया हुआ प्रॉपर। कितना बड़ा राउंड मारेगा ये? पूरा राउंड मारेगा सर। कितना है? 20 से 25 मिनट। ले घुमा ले। नहीं नहीं उधर से जाओ, नीचे से जाओ, उधर से आओ। हमारे मैनेजर साहब हैं। तुम जाते किधर से? ऐसे कैसे कराइए? तो मालूम है हाथी उधर से जाता है, उधर से आता है, उल्टा भी जा रहा है। और ये हाथी ने यू टर्न ले लिया। ये हाथी है, ये बैठनी है। क्या नाम है इसका? है सकीना नाम है इसका। फोटो खिंचवा देती है ये दिक्कत में लग रही है मुझे, तो दिक्कत में है ये। इस हाथी का नाम क्या है? इसका नाम क्या भैया? ये पिंकी है। हाँ, सबका ही नाम होता है ना पिंकी। यहाँ ना बहुत सारे हाथी हैं और यहाँ पे एलिफेंट राइड कराते हैं। कम से कम आधे घंटे की राइड होती है। ये पूरा पार्क का चक्कर कटवाते हैं। स्पेशल पार्क बनाया हुआ है हाथियों के लिए, हाथियों की राइड के लिए। तो आप यहाँ पर राइड का मजा ले सकते हैं। पर एलिफेंट 800 रुपीज लेते हैं, जिसमें कि दो जने बैठ सकते हैं उसके ऊपर। देखिए ये हाथी यहाँ से जा रहे हैं और वहां से आगे से घूम के आएंगे। ये हाथियों का तालाब है, देखिए इसमें पानी कितना साफ है। आप इसमें मछलियां भी देख सकते हैं साफ साफ। और देखिए दूसरी ओर से, जो तालाब की दूसरी ओर, देखिए हाथी जो है पूरा राइड करा के चक्कर कटवा के आ रहे हैं वापस। हल्की सी बेल की आवाज आ रही है ना, जो हाथियों की बंदी होती है ना बेल, उसकी आवाज आ रही है। देखिए पानी कितना साफ है यहाँ पे। और ये आ गए एलिफेंट्स राइड कराकर। देखिए
से राइड करवाते हैं, दो जने बैठ सकते हैं, ये माहौल होता है साथ में। भैया क्या नाम है इसका? अच्छा आप ही पहन के आ गए हो? अच्छा अच्छा, ये बिजली वाला आ गया। भैया क्या नाम है इसका? लक्ष्मी, लक्की। अच्छा हाथी है ये हाथी मजे करते हुए इधर। भैया इसका क्या नाम है? सोनिया। हेलो सोनिया। तो आप यहाँ आकर हाथियों के साथ जो है फोटो खिंचा सकते हैं, इनकी राइड ले सकते हैं, और कहने का मतलब ये कि आप यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, और बच्चों के साथ आएंगे तो बच्चे बहुत एंजॉय करेंगे। यहाँ प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है यहाँ से राइड करने के लिए, आप ऊपर चढ़ेंगे तो यहाँ से आप हाथी के ऊपर बैठ सकते हैं। अगर आप जयपुर आ रहे हैं तो हाथी का आना ना भूलें, अगर आपने अच्छा एंजॉय करना है एलिफेंट्स के साथ। और ये सामने यहाँ पर पार्किंग है, हम चलते हैं वापस। अभी हम पहुंच चुके हैं आमेर फोर्ट और यहाँ से इसकी एंट्री है, यहाँ से हम एंट्री कर रहे हैं। अगर आप दाना डालना हो तो यहाँ से डाल सकते हैं, इनसे लेके 10-10 रुपए में देते हैं ये। और बाहर जो पूल सा बना हुआ झील जो है उसमें मछली है, उनको दाना उनको भी खिलाना हो तो यहाँ से आटा मिल जाएगा। दिल आराम बाग मीन्स द गार्डन विद सूथ द हार्ट, जो आपके मन को अच्छा लगे। दोनों साइड में छतरियां बनाई गई हैं इनके आराम करने के लिए, और छोटी छोटी छतरियां साइड में भी हैं। लाइसेंस है गाइड का? आप किसका गाइड का? ये ट्रस्ट का, ये तो चैरिटेबल ट्रस्ट का है। अच्छा पागल बनाए जाते हो आप, स्पेशल डिपार्टमेंट का ट्रस्ट का लेकर पता नहीं मैं क्या कर सकते हो। यहाँ आते ही लोग आपके ना 6 बजे स्टार्ट हो जाते हैं, गाइड लेंगे अप्रूव्ड गाइड नहीं होते, कोई इनको हिस्ट्री का कोई नॉलेज नहीं होता, क्यों आ रहे आपके साथ से, उनको पैसे चाहिए होते हैं। क्या होता है ना, गांव के लोकल्स होते हैं ना, वो किसी की टाइप में एक कार्ड बनवा लेते हैं, कहते हैं हम भी अप्रूव्ड गाइड है, बट दैट इज नॉट लाइक दैट। जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट अप्रूव्ड गाइड्स होते हैं ना, वो उनको ही ये उनको नॉलेज मिलता है। तो आज संडे बहुत भीड़ है, कम से कम 5,000 लोग यहाँ पर आए होंगे, मे बी और उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो मे बी नेक्स्ट टाइम इसी मंथ या नेक्स्ट मंथ में भी जो लॉन्ग वीकेंड होगा तो उस पर ट्राई करेंगे हम आने की, किसी वीकडे में आने की ट्राई करेंगे, तब हम जाएंगे इसके अंदर तक इसको अच्छे से देख सके। इतनी भीड़ होगी हम इसको अच्छे से ना दिखा पाएंगे ना देख पाएंगे, तो फायदा नहीं है जाके अभी। Until next time. So, देखते रहिए आप हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर पसंद आया हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और देखते रहिए हमारे वीडियोज। Until next time. See you.